कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पिछले वीडियो में हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा इसके ऊपर चर्चा और करते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जिससे अपना आइडिया जो है और बेहतर होगा और क्लियर होगा। तो चलिए बिना देरी के एक बार जल्दी से आपको रिकैप करवा दूं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि भैया माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दो टाइप के हो सकते हैं, एक है हम लोग का हॉरिजॉन्टल और एक है हम लोग का वर्टिकल। बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल में क्या था, हर एक बिट के लिए, हर एक सिग्नल के लिए एक एक बिट अपन असाइन कर देते हैं और हॉरिजॉन्टली उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उससे दिक्कत क्या हो रहा था, उससे दिक्कत ये हो रहा था कि भैया बहुत ज्यादा बिट्स खा रहा था वो, ठीक है, हर एक सिग्नल के लिए। भैया मैं आपको बताया था 128 सिग्नल थे तो 128 बिट खा ले रहा था, ठीक है। तो हर एक सिग्नल के लिए एक एक बिट यहाँ पे असाइन किया गया, तो इसलिए अपने पास दिक्कत बस यही है कि बहुत ज्यादा बिट खा रहे हैं। इसीलिए अपन अब क्या यूज करें, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का यूज करें, जहां पे अपन क्या करते हैं थोड़ा सा दिमाग चलाए और ग्रुपिंग कर दिए हर एक सिग्नल का, क्या किए, हर एक सिमिलर काइंड ऑफ सिग्नल को एक ग्रुप में डाल दिए। हर एक ग्रुप में से एक सिग्नल क्या होगा, इनेबल होगा। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे सिग्नल्स को क्या किए, एनकोडेड फॉर्म में डाले हैं, जिसको अपने को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, इसीलिए यहाँ पे डिकोडर लगता है। डिकोडर लगता है, मैं आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो जब डिकोडर लगता है तो ऑब्वियसली ये जो सर्किट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल वाला। होगा कि नहीं होगा भैया, डिकोडर है यहाँ पे, एनकोड करके उसके बाद उसको डिकोड भी करना होगा, ठीक है। बिट्स यहाँ पे हम लोग कम कर दिए लेकिन टाइम बढ़ा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूं, आप खुद ही सोच के देखिए, कुछ कुछ सिग्नल तो ऐसे भी होंगे ना जिनको आप इन ग्रुप में डाल ही नहीं पाओगे, सिमिलर काइंड ऑफ सिग्नल नहीं होंगे, किसी भी ग्रुप में वहां पे फिट नहीं होंगे। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या कर सकते हो, ये जो सिग्नल है इसको इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टल में जैसे स्टोर करते हैं, एक एक बिट पकड़ा के इनको डाल दो साइड में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिग्नल तो होंगे नहीं लेकिन कुछ हैं तो ठीक है ना भाई, अपन क्या करेंगे इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक एक बिट पकड़ा के साइड में इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपन सीधा गेट एग्जाम के क्वेश्चन में, जिससे आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गेट 2002 का एक क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है डज नॉट रिक्वायर द सिग्नल डिकोडर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, हॉरिजॉन्टल में नहीं चाहिए होता है डिकोडर, डिकोडर लगता है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। पहला ऑप्शन सही बात बोल रहे हैं। रिजल्ट इन लार्जर साइज माइक्रो इंस्ट्रक्शन देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, यूजेस वन बिट फॉर ईच सिग्नल, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर गेट 99 का एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर सीपीयू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड। आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग स्पीड के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमाना है। तो आप खुद ही बताइए भैया, हार्ड वायर्ड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट और हॉरिजॉन्टल, इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ऑब्वियसली हार्डवेयर का जो यूज करता होगा, हार्ड वायर्ड की सबसे ज्यादा स्पीड होगी। तो हार्डवेयर कौन से दो ऑप्शन में भैया, ए या फिर बी ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मतलब सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, बहुत बढ़िया। क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ज्यादा स्पीड कौन होता है भैया, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा स्पीड होता है क्योंकि वहां पे डिकोडर नहीं होता, यहां पे डिकोडर होता है। उसके बाद फिर क्या हो गया अपना, हॉरिजॉन्टल वाला और उसके बाद फिर वर्टिकल, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अ कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है 120 कंट्रोल सिग्नल विच आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल एज बिलो। ये अपने को देख रखा है, ग्रुप 1 में 30 सिग्नल है, ग्रुप 2 में इतने हैं, ग्रुप 3 में इतने हैं, ग्रुप 4 में इतने, ग्रुप 5 में इतने और ग्रुप 6 में इतने सिग्नल है। हाउ मेनी बिट्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल वन। तो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले बताओ, 120 कंट्रोल सिग्नल है तो एक एक बिट अगर मैं सबको दूंगा तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के केस में तो 120 बिट लगेगा। अब अपने को पता है वर्टिकल में अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं कि नहीं करते भैया, बिल्कुल करते हैं, उनको उसको एनकोडेड फॉर्मेट में डाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया, 30 सिग्नल के लिए आपको कितनी बिट लगेंगे भैया, लॉग बेस 2 ले लो ना इसका, सीधा इसको लॉग बेस 2 ले लो, अपन यहां पे ग्रुप में डिवाइड कर दिए तो इसके लिए कितना बिट लगेगा, लॉग बेस 2 लो, कितना बिट लगेगा, 5 बिट लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा, इतना आता है अपने को,
13 के लिए 4 बिट लगेगा, 12 के लिए फिर से 4 बिट लगेगा, 3 के लिए 2 बिट लगेगा, 27 के लिए 5 बिट लगेगा, 35 के लिए कितना बिट लगेगा, 6 बिट लगेगा। ये सबका टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 26 बिट आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो कितना बिट आप सेव कर लिए भैया, 120 लग रहा था हॉरिजॉन्टल के केस में, यहाँ पे भले थोड़ा स्लो है लेकिन 26 बिट बस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 120 माइनस 26 इतने बिट अपन बचा लिए, 94 बिट्स का यहाँ पे अपन सेव कर लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर से मॉरिस मेनू बुक का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ टोटल ऑफ 25 कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है। एज्यूम दैट ड्यूरिंग एनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन एटमोस्ट 2 कंट्रोल सिग्नल अपने एक्टिव होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इन द कंट्रोल वर्ड टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल विल बी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 2 सिग्नल एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। और टोटल कितने सिग्नल है, 25 कंट्रोल सिग्नल है। तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपके पास 25 कंट्रोल सिग्नल है और साथ ही साथ आपको क्या बोल रहा है और अपने को मिनिमम नंबर ऑफ बिट निकालने बोल रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट किसमें लगता है भैया, आपने को पता है वर्टिकल वाले में, तो अपने को वर्टिकल वाले को यूज करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 ग्रुप में बांट दूँ, अगर मैं 25 कंट्रोल सिग्नल है तो इसको 2 ग्रुप में अगर बांट दिया, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि मैं 12 सिग्नल को एक ग्रुप में, अगले 12 सिग्नल को अगले ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर से दिक्कत ये होगी कि अपने को एटमोस्ट कोई भी 2 सिग्नल को मैं उठाऊं तो वो क्या हो सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, कोई भी 2 सिग्नल को उठाऊं। तो अगर मैं S1 S2 को एक ही ग्रुप में रख दूंगा और अगर मैं बोलूंगा कि S1 S2 दोनों एक्टिव होने चाहिए, तो क्या हो पाएगा, क्या भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही सिग्नल क्या हो सकता है, इनेबल हो सकता है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो भैया फेल कर गया। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना होगा, जितने भी मैं ग्रुप बनाऊं उसमें क्या करना है, क्योंकि मेरे को एटमोस्ट 2 सिग्नल को एक्टिव करना है, तो ग्रुप तो मेरे यहां पे वही है, 2 है, लेकिन मैं दोनों के दोनों ग्रुप में ना 25 के 25 सिग्नल डाल दूंगा। क्यों डालूंगा, देखो अब अगर मैं ये भी बोलता हूं ना कि S1 मेरा S1 और S2 एक्टिव होना चाहिए, तो एक ग्रुप से आप S1 को एक्टिव कर दो, दूसरे वाले ग्रुप से S2 को एक्टिव कर दो, ठीक है। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, एक ग्रुप का इधर एक्टिव कर दो, दूसरे वाले ग्रुप का इधर एक्टिव कर दो, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसी आपसे 3 कंट्रोल सिग्नल के लिए भी बोल सकता है कि एटमोस्ट 3 कंट्रोल सिग्नल को एक्टिव करना है, तो 3 ग्रुप बना दो, तीनों के अंदर सारे के सारे सिग्नल डाल दो, ठीक है। तो भैया 25 के लिए अपने को कितना बिट लगे, 5 बिट लगे। लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे, तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो 25 कॉम्बिनेशन तो ये है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन आपको मैं बताया था कि अगर दोनों के दोनों डिसेबल हुए या फिर ये एक डिसेबल हुआ, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना होगा, उसको भी काउंट करना होगा। जो अगर डिसेबल वाले के लिए भी एक ऑप्शन होगा ना, तो 25 तो ये एक्टिव के लिए, एक डिसेबल वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे 25 एक्टिव के लिए, एक डिसेबल वाला ऑप्शन, तो टोटल अपने पास 26 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये 26 को अपन लॉग बेस 2 लेंगे तो 5 बिट आएगा, इधर भी 5 बिट आएगा, तो टोटल अपने को कितना बिट लगेगा, कम से कम इतना बिट लगेगा, 10 बिट, जिससे क्या कर लेंगे, ये कंट्रोल वर्ड को जनरेट कर लेंगे, जहां पे अपने एटमोस्ट 2 सिग्नल हमेशा एक्टिव रहेंगे, एटमोस्ट 2 सिग्नल हम लोग के कम से कम एक्टिव होंगे, ठीक है। आपके 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।